Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum students how are you I hope you all will be fine So students open your science books page number 52 Today is Friday 24 April and our topic of discussion is distillation लास्ट लेक्चर्स में हमने मिक्सचर्स uh, को सेपरेट करने के लिए कुछ टेक्निक्स पढ़ी थी फिल्ट्रेशन एवेपरेशन एंड सप्लीमेशन आज हम डिस्टिलेशन डिस्कस करेंगे जो मिक्सचर्स uh, को सेपरेट करने की एक और टेक्निक है डिस्टिलेशन इज़ अ प्रोसेस यूज टू सेपरेट द सॉल्वेंट फ्रॉम अ सॉल्यूशन। अगर हमने सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट को सेपरेट करना हो उसके लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है उसको डिस्टिलेशन कहते हैं सोल्यूशन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सोल्यूट क्या होता है सॉलिड मटेरियल होता है जैसे सॉल्ट है या शुगर है जिसको आप पानी या किसी भी लिक्विड चीज़ में डाल के डिजोल्व करते हैं तो वो सोल्यूशन बनता है अब वो लिक्विड पार्ट चाहे वो वाटर है मिल्क है या कोई भी चीज़ है ठीक है तो उसको हम लिक्विड पोर्शन जो होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं आगे इफ फॉर एग्जाम्पल यू हैड सम सी वाटर एंड वॉन्टेड टू ऑपटेन प्योर वाटर फ्राम इट यू वुड नीड टू हीट द वाटर अन्टिल इट बॉयल्स वो कह रहे हैं आपके पास समुन्दर का पानी है ठीक है आपको पता है वो सॉल्टी वाटर होता है सी वाटर जो होता है और हमें उसमें से प्योर वाटर चाहिए प्योर वाटर कौन सा वाटर होता है जिसका ना कोई टेस्ट हो टेस्ट लेस कलरस ऑर्डरलेस ना खुशबू होती है कोई ना कोई ऐसा है और ना ही उसका कोई जयका भी नहीं होता और खुशबू भी नहीं होती और कलर भी नहीं होता ठीक है तो अब हमने प्योर वाटर अपटेन करना है तो उस प्योर वाटर को अपटेन करने के लिए सी वाटर से जो हम टेक्निक यूज करते हैं उसको डिस्टिलेशन कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस वाटर को बॉयल करेंगे यू वुड देन कूल एंड कंडेंस द स्टीम ऑफ वाटर वेपर प्रोड्यूस्ड उसके बाद आप उस पानी को ठंडा करेंगे कैसे ठंडा करेंगे जो बॉइल करने से स्टीम प्रोड्यूस हुई है ना उस स्टीम को हम कलेक्ट कर लेंगे ठीक है इकट्ठी हो जाएगी और जब वो स्टीम इकट्ठी होकर आपको कोल्ड वाटर वेपर्स यानी कोल्ड वाटर के फॉर्म में मिल जाएगी द स्टीम ऑफ वाटर वेपर टर्न्स बैक इन टू अ लिक्विड वाटर विच इज एब्सोल्यूटली प्योर इट इज़ कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर ठीक है वाटर क्या कहलाता है डिस्टिल्ड कहलाता है सबसे पहले हमने क्या किया ये आप देख रहे हैं साइड पे आपको फिगर शो हो रही है राउंड बॉटम फ्लास्क में हमने सी वाटर लिया नीचे आपने बनसन बर्नर या स्प्रिट लैंप ऑन कर दिया उसको हीट प्रोवाइड करने के लिए जैसे जैसे वेपर्स बनते जाएंगे साइड पे जो आपको ट्यूब नज़र आ रही है उसमें ये कलेक्ट होते चले जाएंगे स्टीम के फॉर्म में और फिर बाद में क्या होगा कि जब ये स्टीम के फॉर्म में कलेक्ट हो जाएंगे ठंडे हो जाएंगे तो नीचे आपको प्योर वाटर जो है बीकर में नज़र आ रहा है कलेक्ट होता हुआ ठीक है और वो प्योर वाटर जो है वो डिस्टिल्ड वाटर होगा यानी कि उसमें कोई सॉल्ट वगैरह जो उसकी आ, मिक्सिंग नहीं हुई हुई होगी प्योर होगा वो सेकेंड पैराग्राफ मैनी फ्लावर्स कंटेन फ्रेग्रेंट ऑयल फ्यूम्स द ऑयल इज ऑबटेन्टिंग द फ्लावर एंड कम ऑफ वगैरह जो आप ये फ्लावर्स या परफ्यूम्स या इतर वगैरह बनाते हैं न गुलाब का फूल है मोती का है कोई भी फ्लावर है उस जिसकी आपको फ्रेग्रेंस पसंद हो उसका अगर परफ्यूम बनाना होता है तो इंडस्ट्रीज में क्या किया जाता है कि उसका जो फ्लावर है उसको हीट किया जाता है उससे ही जो उसका ऑयल होता है ना अंदर वो मतलब ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वेपर्स के फॉर्म में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और एट द एंड आपको मिल जाता है और ये भी डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू ही होता है इन सम कंट्रीज वेयर ड्रिंकिंग वाटर इज इन शॉर्ट सप्लाई बट देर आर प्लेंटीफुल क्वांटिटीज़ ऑफ ऑयल और अदर फ्यूल्स ड्रिंकिंग वाटर इज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलिंग सी वाटर कुछ कंट्रीज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे पीने का पानी जो होता है वो कम मकदार में होता है फ्रेश वाटर जिसे कहते हैं ना जैसे अगर हम एग्जांपल लें सऊदी अरेबिया की तो वहाँ पे सी है और वहाँ का जो पानी है ना आम जैसे टैप्स वगैरह में हमारी इधर तो प्योर वाटर आता है लेकिन वहाँ पे जो पानी है वो सॉल्टी होता है ठीक ना है नाकबले इस्तेमाल है अनड्रिंकेबल तो क्या होता है वो क्योंकि वहाँ पे फ्यूल है पेट्रोल ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है तो वो क्या करते हैं डिस्टिलेशन के थ्रू लार्ज स्केल पे वाटर को डिस्टिल करते हैं और वही डिस्टिल्ड वाटर जो है वो यूज किया जाता है ऑयल कंपनीज ऑप्टेन दियर ऑयल बाई ड्रिलिंग वेल्स इन द ग्राउंड और इन द रॉक अंडर द सी द ऑयल विच कम्स फ्राम द वेल इज कॉल्ड क्रूड ऑयल ऑयल कंपनीज जो होती हैं वो क्या करती हैं कि ऑयल कहाँ से uh, करती हैं यूज जैसे ग्राउंड वगैरह होती हैं अंडरग्राउंड जो हैं होल्स वगैरह बना दिए जाते हैं जिसके थ्रू ऑयल अगर ज़मीन के अंदर है तो वहाँ से उसको निकाला जाता है और उस ऑयल को जब हम यूज़ करना चाहें तो नहीं कर सकते क्यों क्योंकि वो खाम तेल होता है क्रूड ऑयल का मतलब होता है खाम तेल अनयूज़ेबल होता है उसके अंदर बहुत से इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको प्योरीफाई करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं ठीक है द क्रूड ऑयल इज़ अ मिक्सचर मिक्सचर किस तरह से है? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं और आपको पता है कि मिक्सचर उसको कहते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स प्रेजेंट हो क्रूड ऑयल के अंदर इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं इसीलिए वो यूजेबल नहीं होता तो हम उसको मिक्सचर कह रहे हैं इट इज नॉट मच अंटिल इट कम्पोनेट्स हैव बीन सेपरेटेड आउट एट एन ऑयल रिफाइनरी लाइक द वन इन द पिक्चर वह नीचे से आपको प्लांट शो किया गया इसको अगर आप फोकस करें देखें तो इस को यूज करते हुए इस टेक्निक के थ्रू ऑयल जो है वो हमारा प्योरीफाई किया जाता है और फिर उसको यूज किया जाता है ठीक है एट द रिफाइनरी द क्रूड ऑयल इज हीटेड क्रूड ऑयल यानी खाम तेल जो सबसे पहले गर्म किया जाता है रिफाइनरी क्या चीज़ है जहां पे इसका प्लांट लगा होता है इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ईच पार्ट ऑफ द मिक्सचर बॉयल्स एट अ डिफरेंट टेम्परेचर क्योंकि वो मिक्सचर है उसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हैं तो हर इंग्रेडिएंट हर कंपोनेंट का अपना अपना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ठीक है तो इसलिए जो बॉयल करेगा हर मिक्सचर अपने अकॉर्डिंग uh, जो है वो बॉयल करेगा मुख्तलिफ ट्परेचर पर द पार्ट विद द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बॉयज फर्स्ट एंड इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कॉलम ये जो साइड पे फिगर बनाई गई है ये उसका थोड़ा सा प्रोसेस दिखा रहे हैं कह रहे हैं कि जो पहले सबसे पहले कम जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा ना मतलब कम टेम्परेचर पे जो बॉयल कर आ, हो जाएगा वो क्या होगा हम उसको नीचे से बॉटम ऑफ द कॉलम नीचे से उसको कलेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे द पार्ट ऑफ द मिक्सचर विद द हाइस्ट बॉइलिंग पॉइंट बॉयज लास्ट एंड इज कलेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ द कॉलम और वो आ, हिस्सा हमारे मिक्सचर का जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो सबसे ज़्यादा होगा वो एट वो दी एंड बॉयल होगा ठीक है ना अगर सपोज किसी का टेन है तो टेन तो जल्दी टेम्परेचर आ गया वो जल्दी बॉयल होने लग गया तो हमने तो उसको नीचे से कलेक्ट कर लिया अब अगर कोई सपोज़ हंड्रेड पर जाकर बॉयल हो रहा है तो हंड्रेड तो ऐट दी एंड आएगा तो हम हंड्रेड वाले को ऐट दी एंड टॉप पर से कलेक्ट कर लेंगे ठीक है इस तरह से जो ऑयल प्योरीफाई किया जाता है उस टेक्निक को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं तो यही बात लिखी हुई है दिस टाइप ऑफ डिस्टिलेशन इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन Another important industrial use of fractional distillation is to produce large quantities of oxygen, nitrogen, and argon by fractionally distilled, distilling liquefied air. Next आपका है paper chromatography ये third third नहीं fifth technique है ठीक है इसको किस तरह से use किया जाता है mixtures को separate करने के लिए आप देख लेते हैं अच्छा students जो जो चीज़ मैंने underline की हुई है ना short questions MCQs मैंने साथ mention किए हैं ये आपने जरूर must करने हैं ठीक है अंडरलाइन भी करने हैं और आपकी लर्निंग भी chromatography। क्या वो कह रहे हैं कि एक सोल्यूट से ज्यादा अगर किसी सॉल्वेंट में ऐसा सॉल्वेंट जिसमें एक से ज्यादा सोल्यूट डिजोल्व हुए हुए हों उसको हम क्या कहते हैं डिजोल्व तो हुए हुए हैं कहेंगे तो सोल्यूशन ही लेकिन उन डिफरेंट सोल्यूट को किस तरह से हमने सेपरेट करना है जो टेक्नीक यूज़ की जाती है उसको हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं सपोज अगर हमारे पास थ्री कलर्स की इंक है ब्लू ब्लैक रेड हमने तीनों को मिक्स कर दिया क्लियर अब जब वो मिक्स कर दिया और हमें हम चाह रहे हैं कि हम उसको सेपरेट कर लें तीनों डाइस को हम सेपरेट कर लें किसी फिल्टर पेपर की फॉर्म में या किसी भी तरह से हमने अब जब हम उसको सेपरेट करेंगे ना उस सेपरेट करने की टेक्निक को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं क्रोमेटोग्राफी वर्कस बिकॉज द रिजोर्ट सब्सटेंसिज द स्ल्यूट हैिफरेंट साइज पार्टिकल विच ट्रेवल एट अ डिफरेंट स्पीड अक्रॉस और अलॉन्ग द फिल्टर पेपर जो हम फिल्टर पेपर यूज कर रहे होते हैं अगर रेडिंग का है तो वो अपनी स्पीड से उसपे क्या कहते हैं मूव करेगी सेपरेट होने के लिए ठीक है तो उनकी जो स्पीड भी वेरी करती है और उसी स्पीड के थ्रू हम उसका डिस्टेंस मैया करके तो देख लेते हैं कि किस तरह से होती है क्रोमेटोग्राफी इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल इन सेपरेटिंग द डिफरेंट कलर्ड केमिकल्स इन डाइज फ़ूड कलरिंग्स फूड के होते हैं रंग जैसे हम जर्दा रंग वगैरह यूज़ करते हैं फ़ूड कलरिंग्स एंड इंक्स साइंटिस्ट यूज़ क्रोमेटोग्राफी टू आइडेंटिफाई ब्लड सैम्पल्स टू एनालाइज़ यूरिन सैम्पल्स और टू कंपेयर सैम्पल्स ऑफ क्लोरोफिल फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स साइंसदान जो हैं वो किसके लिए यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफी को हमारे कुछ ब्लड सैम्पल्स वगैरह को वेरीफाई uh, करने के लिए और इसके अलावा हमारे जो प्लांट्स हैं इसमें आपको पता है क्लोरोफिल है क्लोरोफिल इज़ अ मटीरियल विच हेल्प्स इन मैनुफैक्चरिंग ऑफ फूड इन प्लान ठीक है प्लांट के अंदर जो फूड है जो बनती है वो किसकी वजह से बनती है क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बनती है क्लोरोफिल जो उसके आगे से डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं क्लोरोफिल ए बी सी ठीक है तो अब वो साइंटिस्ट जो है वो ये भी देखने के लिए कि क्लोरोफिल कौन सा किस स्पीड से मूव कर रहा है उसको हमने कैसे सेपरेट करना है हाई लेवल्स पर आप देखेंगे ठीक है एक्सपेरिमेंट करेंगे बायो में जाके तो उसमें क्या होता है कि क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक ही यूज़ की जाती है ठीक है अभी तक अभी आपने इतना याद रखना है कि जो क्रोमेटोग्राफी है ये टेक्निक कलर्ड कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है देर आर टू मेन वेज ऑफ यूजिंग क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करने के लिए दो तरीके होते हैं ठीक है वन इज़ टू कट अ वीक आउट ऑफ अ सर्कुलर फिल्टर पेपर एंड देन टू प्लेस अ डोट ऑफ इंक इन देंटर ऑफ द पेपर आपने एक गोल राउंड फिल्टर पेपर लिया जिसको हम साइंटिफिक टर्म में सर्कुलर कह रहे हैं ठीक है उसकी एक वीक मतलब एक पोर्शन आपने कट कर लिया सेंटर पर पॉइंट आउट करके आपने एक वीक इस तरह से बना लेनी जैसे डायग्राम में शो हो रहा है उसका एक विक उससे सेपरेट नहीं करनी ज्वाइन ही रहे लेकिन थोड़ी सी इस तरह से कट हो कि अगर हमने उसको बीकर के अंदर डिप करना है तो वो ईजिली हो जाए ये जो इस सेंटर में आप डॉट लगाएंगे ना ये इंक स्पॉट होगा जिसको आप सेपरेट करना चाह रहे हैं और जो बीकर है उसमें आप कोई भी सॉल्वेंट ले लेंगे सॉल्वेंट किस तरह से जैसे हमारा इथर होता है ना स्प्रिट जिसे कहते हैं वो हम ले लेते हैं इसमें बीकर में उसमें आपने कलर्ड इंक कंपोनेंट डॉट लगा लिया फ़िल्टर पेपर पे जब आप उसकी विक नीचे जाएगी और वो एब्ज़ॉर्ब करेगी उसको एथानॉल को एब्जॉर्ब करते करते वो उस इंक तक पहुँचेगा कुछ देर बाद क्या होगा आप वेट करेंगे थर्टी मिनट्स तक हाफ़ एन आवर हाफ़ एन आवर के बाद आपको जैसे ये सर्कुलर डाइज बनी हुई नज़र आ रही है ना डिफरेंट कलर्स की इस तरह से ये प्रोड्यूस हो जाती हैं ठीक है थीके? और यही इसकी टेक्निक है इसको यूज़ करने के लिए अब मैं रीड कर लेती हूँ ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप देख लें वन इज़ टू कट अ विक आउट ऑफ अ सर्कुलर फिल्टर पेपर एंड देन टू प्लेस अ डॉट ऑफ विक इन द सेंटर ऑफ द पेपर ठीक है क्या उन्होंने कहा सर्कुलर फिल्टर पेपर की आप एक विक काटेंगे और उस फिल्टर पेपर के सेंटर में आपने इंक का स्पॉट लगा देना है द इंक फ्रॉम फेल्ट टिप पेन्स वर्क पर्टिकुलरली वेल फेल्ट टिप पेन यानी कि अगर आप उसको शार्प पॉइंट से अगर इंक लगाते हैं तो द बेस्ट है द विक इज़ बैंड डाउन इंटू अ बिगर ऑफ वाटर और सम अदर सोलवेंट वाटर में भी रख सकते हैं और कोई और सोलवेंट में भी रख सकते हैं लेकिन बेस्ट जो है वो हमारा एथनॉल होता है इथर द सोल्वेंट सॉक्स अप द विक इन द मेन पार्ट ऑफ द फिल्टर पेपर सोल्वेंट जो है वह आहिस्ता आहिस्ता जजब हो जाएगा हमारे फिल्टर पेपर तक एज इट डज सो द वेरियस डाइज इन दिक्कस इंक सेपरेट आउट फॉर्मिंग कंसेंट्रेट कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ़ डिफरेंट कलर्स ठीक है क्या होगा वो कह रहे हैं एट द एंड आपको इंक की जो डिफरेंट कलर्स हैं वो सेपरेट होते हुए नजर आ जाएंगे किस तरह से स्प्रेड हुए हुए होंगे जैसे ये साइड पर आपको सर्कल नजर आ रहे हैं अ सेकेंड मेथड यूज इज़ आ रेक्टेंगल ऑफ फिल्टर पेपर पहले हमने सर्कुलर फिल्टर पेपर यूज़ किया सेकेंड मैथडोलोजी में हम रेक्टेंगल फॉर्म में फ़िल्टर पेपर यूज़ करेंगे अः पेंसिल लाइन इज ड्रॉन अबाउट वन सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पेपर जब आपने उसकी स्ट्रिप ले ली रेक्टेंगल रेक्टेंगुलर फॉर्म में फ़िल्टर पेपर ले लिया तो नीचे से जब आप मैयर करेंगे वन सेंटीमीटर बॉटम लाइन से मैयर करेंगे तो वन सेंटीमीटर आपने डिस्टेंस uh, पे क्या कर देना लाइन ड्रॉ कर देनी है लेड पेंसिल से स्पॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंक आर प्लेसड अलोंग द बेस लाइन और उस बेस लाइन पर आपने क्या मैंशन कर देने स्पॉर्ट्स लगा देने हैं द फिल्टर पेपर इज रोल्ड अप अराउंड पुट इन अ बीकर कंटेनिंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट और उसको आपने राउंड फॉर्म में फोल्ड करके इस तरह से डिप करना है कि वो जो पेंसिल लाइन जिस पे आपने इंक मेंशन की है ना इंक स्पॉट्स वो आपके सॉल्वेंट से ऊपर ही रहें ठीक है द सॉल्वेंट सीप्स सोल्वेंट द पेपर आहिस्ता आहिस्ता जो सोल्वेंट है वो पेपर में जजब होता चला जाएगा कैरिंग द इंक डाइज विद इट ईच डिफरेंट डाई विल फॉर्म अ बैंड अप टू अ अटन पॉइंट यू कैन देन कंपेयर एन अन इंक टू नाउन इंक टू सी विच वन इट इज फिर आप उसकी आर एफ वैल्यूज से मैयर कर लेंगे हम डिस्टेंस मैयर कर लेंगे देख लेंगे कि किस तरह से कैसे है और कलर जो है वो अपने अपने अगर रेड है तो वो रेड स्पॉट दे देगा ग्रीन वाला ग्रीन कलर मेंशन कर देगा ठीक है डिफरेंट कलर्स जो है हमारे सेपरेट हो जाएंगे इजीली स्टूडेंट्स uh, आपके जो आज रिटर्न वर्क और जो लर्निंग है वो क्वेश्चन नंबर नाइन की है ठीक है इसका मैं आपको मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर देती हूँ इसका जो आंसर होगा आई होप यू गॉट इट at the end of the lecture i would like to say native slogan aage barte jao padhte jao allah hafiz take cares a lot